की खास खबरों की ओर। इंदौर क्राइम ब्रांच ने सिटीजन कॉप ऐप में प्राप्त शिकायतों पर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही में जहां जिन आवेदकों के मोबाइल गुम या चोरी हुए थे उनको पुलिस कंट्रोल रूम इंदौर में आईजी हरिनारायण चारे मिश्र ने करीब 130 मोबाइल फोन आवेदकों के सुपुर्द किया। वहीं गुम मोबाइल इंदौर क्राइम ब्रांच ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों तथा भारत के अन्य प्रदेशों जैसे मुंबई, बिहार, झांसी, उड़ीसा, इलाहाबाद, हरियाणा आदि से बरामद किए। दरअसल वर्ष 2020-21 में गुम हुए मोबाइल की शिकायतों में 3,161 मोबाइल फोन की शिकायत की गई थी, जिन्हें थानों व पुलिस कंट्रोल रूम के माध्यम से आवेदकों के सुपुर्द किया गया। बरामद मोबाइल फोन कीमती लगभग करोड़ों रुपए बताई गई, जिनमें वन प्लस, सैमसंग, रेडमी, वीवो, ओप्पो आदि कंपनियों के महंगे मोबाइल फोन क्राइम ब्रांच ने बरामद किए थे। वहीं आईजी हरिनारायण चारे मिश्र ने बताया कि इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा संचालित की जा रही सिटीजन कॉप एप्लीकेशन वास्तव में एक एंड्रॉइड फोन एप्लीकेशन है, जिसे आमजन द्वारा गूगल प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन में प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर के अलावा अन्य महत्वपूर्ण फीचर जैसे किसी घटना के संबंध में सीधे ऑनलाइन शिकायत अथवा पुलिस तक सूचना पहुंचाई जा सकती है और किसी वस्तु की चोरी अथवा गुम होने पर पुलिस में ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। मोबाइल फोन अथवा अन्य वस्तुओं के गुम हो जाने पर सीधे इस फीचर के माध्यम से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है, जिसमें आवेदक को ऑनलाइन ही शिकायत की रिपोर्ट से संबंधित रसीद प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वह मोबाइल में गुम हुई सिम को बंद करने के लिए अथवा नई सिम प्राप्त करने के लिए कर सकता है। इस कार्य प्रणाली की ऑनलाइन पद्धति होने से आवेदक को अब थाने अथवा अन्य कार्यालयों में गुम मोबाइल का आवेदन नहीं देना होगा। आवेदक द्वारा की गई संपत्ति गुम या चोरी होने की शिकायत पर क्राइम ब्रांच की साइबर सेल टीम द्वारा ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से गुम मोबाइल को ढूंढने की कार्यवाही की जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 में कार्यवाही करते हुए 3,161 मोबाइल फोन ढूंढकर आवेदकों को उनके मोबाइल थानों के माध्यम से सुपुर्द किए गए। वहीं आज ही हरिनारायण चारे मिश्र ने 130 मोबाइल फोन आवेदकों को पुलिस कंट्रोल रूम में सुपुर्द किए हैं, जिससे आमजन में ऑनलाइन शिकायत के प्रति जागरूकता है तथा यह विश्वास हो कि ऑनलाइन शिकायत के माध्यम से भी उनकी गुम वस्तु प्राप्त। आपको मोबाइल कहाँ घुमा था और किस प्रकार की कंप्लेंट करी थी आपको? मैं घर पर कोचिंग क्लासेस राजमोहल्ला पर मेरी कोचिंग क्लासेस है, तो वहीं पर अंदर ही रखा था मोबाइल मैंने, और मैं प्रसाद देने के लिए बाहर गई हुई थी, और मैं बाहर से जब रिटर्न अंदर आई तो मेरा मोबाइल वहाँ पर नहीं था। फिर मैंने कंप्लेंट करी सिटीजन कॉप पे, नेट पे सर्च किया पहले कि कहाँ पे कंप्लेंट की जाए, तो वहाँ आया था कि सिटीजन कॉप पे आप कंप्लेंट कीजिए। तो मैंने सिटीजन कॉप पे जो हमारे ऑनर है मकान मालिक है उनके मोबाइल से कंप्लेंट डाली थी। उसके बाद में मैं राजमोहल्ला थाने पे भी गई थी और वहाँ पर भी मैंने मल्हारगंज थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी। तो और उसके बाद में कल के दिन मुझे फ़ोन आया कि आपका मोबाइल मिल गया है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मजाक किया है। फिर उसके बाद में मैंने मम्मी के नंबर से फिर से कॉल किया उसी नंबर पे, तो कंफर्म करा कि आपका मोबाइल मिल गया, कल आपको 12 से 1 के बीच में आना है, आपका मोबाइल दे दिया जाए। कितनी खुशी हो रही है आपका? बहुत खुशी, ऐसा लग रहा है कि एक नया मोबाइल मिल रहा है। कितने समय में आपका टेस्ट हुआ? ये पूरे 2 महीने में, 14 नवंबर दिवाली के दिन पे मेरा मोबाइल गुम हुआ था और अभी 14 जनवरी के दिन मोबाइल 2 महीने में मुझे वापस मिल रहा है। घुमाने के दौरान कितनी परेशानी आई आपको? मतलब एक्चुअली मैं टीचर हूँ, मेरा प्रोफेशन है ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ा रही थी मैं, तो मेरा मोबाइल चले गया तो मेरे साथ सारी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि एकदम से नया मोबाइल लेना भी अफोर्ड करना इतना पॉसिबल नहीं है इस टाइम पे। और फिर मतलब मैं पढ़ाती हूँ मारवाड़ी स्कूल में ऑनलाइन, तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि 1 महीने के लिए वो सैलरी भी चली जाएगी और यहाँ का भी चला जाएगा, तो मेरी वहाँ पर भी 2-3 दिन पढ़ाई पूरी बंद हो गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या होगा, बहुत दुखी हुई थी मैं उस दौरान कि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था अभी पढ़ाना, कोचिंग में भी वैसे ही पढ़ा रही थी मैं बच्चों को और स्कूल में भी। तो आपका नाम? श्वेता कोंडला है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं? मैं रहती नंदा नगर में हूँ और यहाँ पर ये अर्धशा पुलिस ने पिछले दिनों ऐसी शिकायतों जिसके जो सामान्य तौर पर पुलिस के पास आती हैं और लोगों को कई बार उसके कारण परेशानियां या कई बार अवांछित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लिए कई यूज़र फ्रेंडली टूल्स विकसित किए गए हैं। उसमें मुख्तार सिटीजन कॉप के माध्यम से पुलिस ने ऐसे आवेदकों को जो कि मोबाइल घूमने या कोई छोटी सी ऐसी कोई सामग्री जिसको तत्कालिक तौर पर उनकी लापरवाही से या आकस्मिक स्थितियों में गुम हो जाने की
स्थिति बनती है। ऐसे चीज़ों को पुलिस ने उसमें सिटीजन कॉप के अंतर्गत एक ऐसा लिंक है जिसमें गुमशुदी हुई वस्तुओं को हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और उस कड़ी में पुलिस ने आज लगभग 130 मोबाइल, इसमें कुछ दिनों में जो गायब हुए थे पिछले महीने, लगभग 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मोबाइल हैं, ये सारे मोबाइल ढूंढ करके और उनके जितने भी उपभोक्ता हैं जिन लोगों ने शिकायत की थी, शिकायतकर्ताओं को आज वापस कर रही है। पिछले समय के जो निकाले गए, पिछले समय पुलिस ने लगभग 3000 से ज़्यादा मोबाइल पिछले साल में दिए हैं, जो कि लगभग 4,38,00,000 रुपये के आसपास के मोबाइल थे जो इनके शिकायतकर्ताओं को वापस किए गए। अगर हमारे पास या समान तौर पर मोबाइल का हम जानते हैं कि सभी लोग उपयोग करते हैं, और अगर कई बार किसी परिस्थितिवश या कई बार लापरवाहीवश अगर मोबाइल गुम हो जाता है, तो हमें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में जो कि हर प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, एंड्रॉयड में भी उपलब्ध है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी उपलब्ध है, उसमें हम जा करके सिटीजन कॉप एप्लीकेशन में जा करके और गुम मोबाइल के एप्लीकेशन में जा करके ज़रूरी जो सूचनाएँ होती हैं IMI और उसके उपयोग से संबंधित जो बाकी जो सूचनाएँ होती हैं उसको हम उसमें रजिस्टर्ड कर दें। रजिस्टर्ड करने के साथ ही ऑटोमेटिक वो हमारा एक पूरा इसके लिए यूनिट बना हुआ है, उसमें लगातार उसे सर्चिंग में रखा जाता है, और जैसे ही सूचना मिलती है संबंधित उपभोक्ता को तत्काल इसकी सूचना दी जाती है और उन्हें वो मोबाइल वापस किया जाता है। पिछले दिनों से बड़ी संख्या में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स के आधार पर पुलिस ने बड़ी संख्या में लगभग हम देख रहे हैं कि 130 के आसपास मोबाइल लोगों के वापस लाए और उसे ला करके उनके उपभोक्ताओं को वापस दिया जा रहा है। इसलिए आज जो भी उपभोक्ता हैं उनको अलग अलग ये मोबाइल उनके सौंपे जाएंगे, और एक जागरूकता के तौर पर भी इसे किया गया कि अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है तो हम परेशान ना हों, आप सिंपली उस एप्लीकेशन में लॉगिन करके घर बैठे अपनी जो सूचना है, अपनी जो शिकायत है उसमें दर्ज कर सकते हैं। पुलिस आपसे संपर्क करेगी और निश्चित समय में उसे ढूंढ करके आपको कोशिश करेगी कि आप तक उसे पहुंचे। द नेटिजन न्यूज से सिटी रिपोर्टर साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।